जय हिंद। हिंदुस्तानी भाव गालियां देता है, शरीफों को बहुत मिर्च लगती है, बट कभी उन लोगों ने सोचा है कि वो गालियां क्यों देता है, किसको देता है? ये दो चीज़ों के बारे में कभी सोचा है? कभी इसके बारे में जानने की कोशिश की है? नहीं की है ना, तो पहले इसके बारे में जानने की कोशिश करो कि किसको गालियां देता है और क्यों देता है। उसके बाद आके अपना पिछवाड़ा हमारे सामने पेश करो, जो तुम उल्टी सीधी बातें करते हो कि कंटेंट नहीं, ये नहीं, वो नहीं है। कंटेंट जाए महाजुदा ने, जो हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के लोगों के बारे में, जो बाहर के लोग हमारे धर्म के बारे में बोलेंगे, उनकी हम क्या आरती उतारें, हम उनकी हम पूजा करें? और तुम लोग जानते क्या हो हिंदुस्तानी भाव के बारे में, जो तुम लोग बोलते हो कि ऐसा है वैसा गाली निकालता है, यूथ को खराब कर रहा है? तुम्हें उसके और काम नजर नहीं आते हैं? कितने अच्छे काम किए उन्होंने, मस्जिद के लिए चंदा दिया हुआ है, हिंदुओं के लिए हर काम करता है, ना कोई जात पात धर्म कुछ नहीं मानता है। इसके बाद तुम्हारे पिछवाड़े में दर्द होती है। अभी नया एक मैंने वीडियो देखा, शायद एक हफ्ता पुराना, बट फिर भी उस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, जो शरीफ लोग हैं खासकर वो, उस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद अपनी राय बनाए और सोचे कि वो किसको और क्यों गालियां दे रहा है और वो काम क्या कर रहा है। जो तुम शरीफ लोग घर में बैठ के बोलते हो कोई नहीं धर्म को गाली दी और तो क्या है, तो पहले सोचो कि वो क्या कर रहा है। देखना इस वीडियो को, पूरी वीडियो देखनी है, ये जितने भी शरीफ है ना, इस वीडियो को पूरा देखना है कि वो बंदा क्या करता है और अभी उसने क्या स्टेप लिया है। कोई उसके घर में पैसे का पेड़ नहीं लगा हुआ है, ना वो किसी से मांगता है। कोई आज तक ये बता दे कि उसने यूट्यूब से या किसी चीज से 1 रुपया भी कमाया हो या किसी से मांगा हो। शेयर कर देना भाई वीडियो को, बस ये कहना था। और एक खुशखबर, बहुत जल्दी 2 एम्बुलेंस गरीबों के लिए, जो जरूरतमंदों के लिए, गरीब नहीं बोल सकता है, जरूरतमंदों के लिए बहुत जल्दी 2 एम्बुलेंस डाल रहा हूं, 24 घंटा फ्री। क्योंकि अभी मैं देखा यहाँ छोटे मोटे हॉस्पिटल में भी जाना है ना, तो 12,000-13,000 एम्बुलेंस ले रहे। किधर गरीब किधर से देगा, किधर से गरीब देगा, नहीं दे सकता है। इसलिए 2 एम्बुलेंस मैं डाल रहा हूं गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए फ्री डाल रहा हूं। अभी बीच में मैंने डाला था कि किसी को भी मुंबई में हॉस्पिटल का कुछ भी है मेरे को बताना, मैं करूंगा। आपको क्या लगता है मेरे पास नहीं आएगा मैसेज, भाव इधर है उधर है उधर है इधर है? ये देख, वो बीच में मालूम है अभिषेक करके लड़का था कर्नाटका का, जो बोल रहा था भाऊ मेरे को रोज का 1000 रुपए का दवाई लगता है, मैंने तब बोला था टेंशन मत ले मैं हाई करके, ये देख रोज हर 2 दिन में पैसे दे रहा हूं। किधर से लाता रे, कोई देता है क्या मेरे को? आज तक सच बताओ, आप लोगों ने 1000 बार बोला भाऊ कुछ जरूरत है आपका पेटीएम दो, अकाउंट नंबर दो, हम लोग पैसा डालेगा करके। मैंने आज तक किसी से 1 रुपया मांगा क्या रे तुम लोग से?